Cash puri. Quante presente. Cash. ये रीज़न मिला हमको, एक पर्सन से बात की थी तो मे भी दुकान बंद रहेगी, पता नहीं कब तक बंद रहेगी। तो गाइस वो पोस्टर भी मिल गया जो से हम ढूंढ रहे थे, गैस पूरी 20%, तो ये भी एक प्रूफ है तो हम सही जगह है, मतलब सही जगह थे हम। हेलो डी व्यूअर्स, हाउ आर यू डूइंग, आई होप एवरीवन इज गुड। तो आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि वहाँ के जो से पर्सन है उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया इंटरनेट पर, पहचान गए होगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्लिप तो डाल ही दूंगा एक। तो गैस पूरी 20%। मैंने सोचा गर्मी काफ़ी हो रही है, ज़रा देख के दवाएँ क्या स्पेशल है, हम भी पी के आते हैं वो नींबू पानी या फिर गोली वाला पत्ता। मैं और सिमर जाएंगे, एक्चुअली बात ये है सिमर आएगा डायरेक्ट कुराली, तो मैं उसको डायरेक्ट कुराली ही मिलूंगा क्योंकि वो रहता है मोहाली, मोहाली से कुराली ज़्यादा इजी रहेगा, बताया कि चंडीगढ़ वो पहले आए फिर मेरे साथ जाएगा। सो तो पहले एक हमको काम करना है, मेरी बाइक में है सिर्फ 200 का पेट्रोल जो कि 120 किलोमीटर चल जाएगी, पर फिर भी जो सी जगह है वो है कीरतपुर साहिब, तो 70 140, तो मुझे 150 तक का और भरवा लेता हूँ फॉर द यू नो एमरजेंसी के लिए। पेट्रोल पंप है इधर से लेफ्ट, तो जाना कहाँ से है, इधर से चल जाते हैं, किसी को याद तो नहीं रहा। डेढ़ सौ बाद तो यहाँ पर भी 2 लीटर आ गया, 80 किलोमीटर चल जाएगी, मतलब 80 + 120 200 किलोमीटर काम चल जाएगा हमारा। अभी टाइम हो रहा है 1:04, तो उम्मीद है हम अप डाउन कर लेंगे 6 बजे तक। तो ये है कुराली की फेमस लाइट्स, अगर हम इस साइड से हैं तो इस साइड से भी रास्ता आता है चंडीगढ़ से, पर वहाँ पर हाईवे बन रहा है अभी, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी कंस्ट्रक्शन है तो करके वो रास्ता सूट नहीं बैठेगा, ये वाला ज़्यादा फास्ट है, पर हाँ यही प्रॉब्लम आएगी, इधर एक बस टोल प्लाजा आता है बाकी तो कोई चक्कर ही नहीं। अभी टाइम हो रहा है 1:25, तो हाँ वो 20 मिनट के आसपास मैं यहाँ पर पहुँच गया। वो वाला पॉइंट आने वाला है जहाँ पर मुझे सिमर मिलेगा, इधर से हमको जाना है लेफ्ट। ओ फाइनली आ ही गया, मिनो अजय जस्ट 5 मिनट हुए हैं, ठीक सी टाइमिंग, आए सेम सेम बैग, सफर की शुरुआत करिए, रुको चलिए फिर यात्रा, साड़ी यात्रा अनंतपुर साहिब 53 किलोमीटर, बस इधर से अच्छा 53 किलोमीटर है, सो कीरतपुर वाला तो अराउंड 45 किलोमीटर होगा और भी नज़दीक। हाँ 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 हाँ, काफ़ी दिनों के बाद अपने यार के साथ लाइफ पे। ये वाला जो सा हाईवे, यही है मेन हाईवे, अगर आपने मनाली जाना है, कुल्लू मनाली जाना है या फिर लद्दाख भी जाना है, लद्दाख के लिए वैसे तो 2 रास्ते हैं, एक जम्मू कश्मीर के थ्रू एक ये वाला, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है हाईवे, तो नो डाउट नीट एंड क्लीन। और ये जो सी आप बाइक देख रहे हो सीमर की थंडरबर्ड 350 है शायद, ये इसने सेल करनी है, अगर किसी ने खरीदनी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी पूछूंगा कितने की देनी है, शायद 70 के आसपास कह रहा था।
अंकल हलचल बचा के। सिमर पाजी को थोड़ी सी चाहिए छाय। मैंने कहा इधर सेफ नहीं है, ये थोड़ा हाईवे चल रहा है, तो आगे रुकते हैं कहीं। सिमर पाजी दे होंगे कब, चलो थोड़ी रेस्ट कर लेने, कोई नहीं। पर काफी मजा आ रहा है, कितने टाइम बाद अपना है ना राइड करना है। चलो करें शुरू दोबारा से, 5 मिनट का ब्रेक काफी है, फिर हमको 6 बजे से पहले चंडीगढ़ भी जाना है। मैंने एक वीडियो भी लाइव करनी है 4 बजे तक। गैस पूरी 20% गैस। जे पाजी मिले ही नहीं, अपनी गैस 100%। हमको कुछ पीना था तो फाइनली हमको स्पेल मिली गई। कीरतपुर साहिब आ गया और ये वाला हाईवे वही है जो सब फ्लाईओवर जाएगा मनाली साइड, और सुना है कि वो वही होते हैं। अगर इधर एक नींबू पानी वाला है फेमस, वो किधर है? हाँ जी नहरा ही, ठीक आई रोड थे ना, आई रोड, ठीक है, थैंक यू। होने तो इधर ही चाहिए, यही है यही है। ओहो हो, दुकान बंद है आज? आई नहीं आज? ओए सिमर वही गल हुई, आए नहीं। ओह तो हम पहुंच तो गए पर वो आज आए नहीं चंडीगढ़। तो कोई है आइडिया करता खुलेंगे कुछ? आए नहीं, मैं कहता आज होनी तो खुली होती इस टाइम। अच्छा सवेर तो नहीं खुली आज? ओहो पाजी कर गए धोखा। पाजी की दुकान आज बंद है, स्पेशली चंडीगढ़ तो आए सी। सो गाइस आप देख सकते हो ये मेरे पीछे दुकान है उनकी, पर बंद पड़ी हुई है। एक पर्सन हमको मिले थे, उन्होंने कहा कि जो से कंपनी वाले शायद पेप्सी कौन से थे बाहर, टिकटॉक नहीं, टिकटॉक तो जाए वो, शायद पेप्सी की कंपनी थी, कोई भी कंपनी है शायद उनको ले गई है फॉर द परमानेंट, में भी जॉब मिल गई हो कुछ, ये रीज़न मिला हमको। एक पर्सन से बात की थी तो मे भी दुकान बंद रहेगी, अब पता नहीं कब तक बंद रहेगी। हाय हम तो स्पेशली आए थे चंडीगढ़ से, मैंने कहा चलो चलते हैं नींबू पानी स्पेशल पियेंगे। गैस पूरी, हमारी गैस ख़त्म। फिर भी पाजी ने काफ़ी तरक्कियाँ की, गॉड ब्लेस। तो गाइस वो पोस्टर भी मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे, गैस पूरी 20%, तो ये भी एक प्रूफ है तो हम सही जगह आए, मतलब सही जगह थे हम। अब क्या करें? अच्छा गुरदित्ता जी इधर है, गुरदित्ता जी गुरुद्वारा, अच्छा आ वाला गुरुद्वारा में सुना है नाम, चलिए मत्था टेक। तो चलो गाइस नींबू पानी वाला काम तो बना नहीं, तो हम दर्शन कर लेते हैं बाबा गुरदित्ता जी। गुरुद्वारा मैंने सुना था इधर काफ़ी है, स्पेशलिटी गुरुद्वारे की ये है कि जो से लोग यहाँ पर आते हैं बाहर जाने के लिए स्पेशली, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाकी डोंट कोट मी ऑन दिस, बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। साइड में व्यू देखो, वाह वाह वाह, नहर व्यू तो बड़ा ज़बरदस्त है, और ये देखो चढ़ाई कितनी मस्त लग रही है। सो हियर इज द गुरुद्वारा गुरदित्ता जी, ये तो काफी बड़ी मार्केट लग रही है इधर। बाबा जी जेड़ा गुरुद्वारा है बाबा गुरुद्वारा जिदा लोकी बाहर जाते स्पेशली इत्थे मन्नत मांग के जाते। हां जी हां जी, अच्छा उस वास्ते फेमस है। हां जी ठीक, बाहर जाना जहाज लाओ। अच्छा इत्थे है ठीक। सो गाइस जोन सी मैंने आपको रीज़न बताई थी ये गुरुद्वारा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वही रीज़न निकला सिवर कि बाहर अगर किसी ने जाना है तो ये वाले गुरुद्वारे आ सकता है, लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं फिर बाहर लग जाती है टिकट। तो
अगर गाइस लोकेशन की बात करें, जो सा भी हम गुरुद्वारा नहीं जाके बाबा गुरुदत्ता जी, तो उसके जस्ट सामने ही है उनकी शॉप, पर बंद हो चुकी है परमानेंट या फिर थोड़े टाइम के लिए, वो मुझे पता नहीं। सो ये लोकेशन की थी। अगर किसी ने कनाडा जाना है तो सिमर क्या करना है? वो गुरुद्वारे में मत्था टेक के जरूर जाइए, यहाँ पर जरूर जाए। अगर किसी ने कनाडा जाना है, मानना कि वहाँ पे मत्था टेक के जाने से आपका वीजा लग जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है काम। ले वापिस चंडीगढ़ चलो। ओके ठीक है। पीछे जो से अभी भी पाजी बैठे है, इन्होंने भी हमसे लिफ्ट मांग ली थी उधर अनंतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब नहीं वहीं पे ही तो करके। सो गाइज आज की वीडियो में बस यही। अगर वीडियो किसी भी कारण अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सो विद दैट सेड, थैंक यू वॉचिंग गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।